हेलो हेलो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ठीक है तो आज की क्लास हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस और आप जानते हैं कि कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथ्स के लिए अगर आपका कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है तो मेजरली आई का बहुत बड़ा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है और कैलकुलस की शुरुआत कहां से होती है फंक्शन से तो जिस बच्चे का फंक्शन डेफिनेटली फंक्शन जो है ना फंक्शन का यूज बहुत सारा है है ना फंक्शन का कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज है अगर आपने फंक्शन अच्छे से पढ़ा लाइक डोमेन हो गया रेंज हो गया डिफरेंट डिफरेंट फंशन के बारे में आप पढ़ेंगे फंक्शन में ठीक तो है function. तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन तो फंक्शन होता क्या है बेसिकली वॉट इज फंक्शन अगर मैं आपसे बात करूं मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन होता क्या है वॉट इज फंक्शन है ना तो क्या होता है फंक्शन बताइए मुझे वॉट इज फंक्शन कोई बताएगा मुझे फंक्शन फंक्शन function? Function क्या होता है वॉट इज अ फंक्शन हाँ मतलब इस तरह की बात आप कह सकते हैं बिल्कुल तो डेफिनेशन लिखेंगे जैसे फंक्शन फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं ये एक function है F. वो कहां से कहां तक जा रहा है ए से लेके बी तक डिफाइन है एक फंक्शन है एफ वो कहां से कहां तक डिफाइन है ए से लेके बी तक डिफाइन है को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों डोमेन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में ए को क्या बोलते हैं डोमेन This is a set. Sets के बारे में पढ़ा है आपने ए जो है वो आपका सेट है और उसको बोलते हैं आप डोमेन और बी जो है उसको आप क्या बोलते हैं उसको आप बोलते हैं को डोमेन तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखे सब बच्चे राइट डाउन इट इज अ रूल लिखेंगे इट इज अ रूल और करस्पोंडेंस है ना इट इज अ रूल इट इज अ रूल और करस्पोंडेंस इट इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस विच रिलेट्स इट इज अ रूल और करस्पोंडेंस Which relates each and every element, each and every element of set A, each and every element of set A with a unique element of set B. With a unique element of set B. So one may bathe, it is a rule or correspondence. सभी लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट पे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विदिक एलिमेंट ऑफ सेट बी यूनिक एलिमेंट पे भीट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी अब ध्यान से देखो यहाँ पे सब बच्चे ध्यान से देखो फंक्शन कैसे दिखते हैं जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ए सेट है और ये बी सेट है और फंक्शन ए से लेकर बी तक डिफाइन है अब ए वाले में तीन एलिमेंट है ए बी सी और यहां पे है 1, 2 और 3। मैंने ए को टू से रिलेट कर दिया बी को वन से रिलेट कर दिया सी को थ्री से रिलेट कर दिया क्या ये है? Yes or no? A से एलिमेंट है तो आप मुझे जवाब दोगे इसके डोमेन में सर तीन एलिमेंट है कौन कौन से ए बी और सी इसके को डोमेन में कितना एलिमेंट है वन टू और थ्री तो आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है डेफिनेशन पढ़े ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट ए का हर एक एलिमेंट किसके साथ लिंक होगा यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के तो क्या ये फंक्शन है बच्चों यस yes और नो no? है ना क्या ये फंक्शन है यस इट इज अ फंक्शन सही बात है अगर मैंने आपसे अगला सवाल ये पूछा कि यहां पे ये सेट ए है और ये सेट बी है ये ए है बी है सी है और डी है यहां पे वन टू थ्री ए को वन के साथ बी को थ्री के साथ और सी को टू के साथ क्या ये फंक्शन है यस और नो अगर ये फंक्शन ए से लेके बी तक डिफाइन है क्या ये फंक्शन है यस और नो जल्दी बताओ Yes no. क्यूं रीजन बताओ क्यों नहीं है जल्दी से बताओ क्या रीजन है कि ये फंक्शन नहीं है क्या डी किसी से रिलेट नहीं हो रहा और मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है था ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यानी ये फंक्शन नहीं है दिस इज नॉट अ फंक्शन चलो और पूछते हैं आपसे अगर मैं आपसे बोलू यहां पर ये ए से लेके बी तक आपका फंक्शन डिफाइन है दिस इज ए बी सी एंड दिस इज वन टू थ्री ए को वन के साथ और हम बात करें यहां पे थ्री के साथ एक फोर भी ले, ले लेते हैं लेट अस सपोज ये थ्री हो गया यहाँ पे फोर हो गया ए को वन के साथ और टू के साथ बी को थ्री के साथ और सी को फोर के साथ क्या ये फंक्शन है नहीं है क्यों नहीं है ए हमने बोला था कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ेगा क्या ये फंक्शन है नहीं है ये फंक्शन दिस इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि यहां पे ए जो है वो बेवफा निकला निकला कि निकला है ना ए जो है वो बेवफा निकला इसकी दो इमेज आ गई यहाँ पे वन भी आ गई और टू भी आ गई है ना आगे पूछा मैंने आपसे अगला यहाँ पे पे ए ए से लेके बी बी तक डिफाइन है एंड दिस इज अगेन सी और यहाँ पे बोल दिया मैंने वन टू थ्री यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बोल दिया आपसे इस तरीके से और मैंने इस तरीके से बोला क्या ये फंक्शन है ये yes सोना no. क्या ये फंक्शन है यस इज दिस अ फंक्शन और नॉट क्यों है बताओ क्योंकि यूनिक एलिमेंट के साथ लिंक्ड है यूनिक एलिमेंट के साथ लिंक्ड है ए वन के साथ लिंक्ड है बी भी वन के साथ लिंक्ड है समझ रहे हो ना मेरी बात को एक से ज्यादा इमेज पॉसिबल नहीं है पर एक से ज्यादा प्री इमेज पॉसिबल है ये बात ध्यान रखना दूसरी बात यहां पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली रह गया हो हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है अब मैंने तुमसे यहां पे पूछा दिस इज द फंक्शन अभी मैंने तुमसे यहां पे पूछा कि यहां पे आप ये बताइए है ना आप लोग मुझे ये बताइए कि यहां पे डोमेन क्या है जल्दी से बताओ व्हाट इज डोमेन ए बी और सी है डोमेन अगर मैंने आपसे पूछा यहाँ पे को डोमेन कितनी है वन टू और थ्री पर मैंने आपसे पूछा यहाँ पर रेंज क्या है रेंज का मतलब है जो इसकी इमेज मिल रही है और इसके इमेज में केवल दो ही एलिमेंट है वन और टू अरे गेटिंग माई पॉइंट तो यहां पे ए बी सी जो है वो डोमेन के एलिमेंट है मैंने आपसे पूछा यहां पे डोमेन क्या होगा तो आपको जवाब आएगा ए बी और सी मैंने आपसे पूछा को डोमेन क्या होगा तो बताइए जल्दी से क्या होगा को डोमेन वन कॉमा टू कॉमा थ्री और मैंने आपसे पूछा रेंज क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप वन और टू सही बात है चलो नोट कर लो इसको फटाफट से तो फंक्शन को पहचानने का तरीका एक मैपिंग बताइए जिससे आप फंक्शन को पहचान सकते हैं है ना ठीक है नोट करिए सब लोग है ना कोई मसला आपको कोई मसला तो नहीं है किसी को भी जल्दी से नोट करो है ना होप सो so, कोई मसला नहीं है यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा इट इज इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अभी तो मैंने केवल आपको बेसिक बताया फंक्शन का एक्चुअली फंक्शन होता क्या है ना व्हाट इज फंक्शन ठीक है मुझे इस डायग्राम से बताएंगे कोई बच्चा कि ये फंक्शन है कि नहीं है क्या ये फंक्शन है यस और नो पहला डायग्राम ये रहा आपका दूसरा डायग्राम आपका ये रहा मैंने इस तरीके से ग्राफ बना दिया क्या ये फंक्शन है और तीसरा ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया ये 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 है है पहला वाला ये है दूसरा वाला और ये है तीसरा वाला आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है? है ना पहला वाला फंक्शन है या नहीं लाइव में जो भी बच्चे वो भी बताएंगे पहला वाला फंक्शन है या नहीं है यस और नो कैसे पता लगाया हाँ, बिल्कुल सही बात है आप तो सिंपल सी एक बात ध्यान रखो अच्छा पहले तो मैं डिसाइड कर लेता हूं कि है कि नहीं है दिस इज अ फंक्शन और 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 नॉट यस यस नो नो तुम लोग कहना चाह रहे हो नहीं है ठीक है नहीं है क्या ये फंक्शन है यस और नो इज दिस अ फंक्शन यस और नो क्या ये फंक्शन है यस दिस इज अ फंक्शन क्या ये फंक्शन है क्या ये फंक्शन है यस yes. तो एक सिंपल सा फंडा आपको ध्यान रखना है उसका नाम होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोला मैंने आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट वर्टिकल लाइन समझते हो अगर आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करी जो कि वर्टिकल है यानी पैरल टू वाई एक्सिस अगर उसने ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट किया तो वो फंक्शन है जैसे यहां पे देखो आपने कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी इसने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है यहां पे आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो केवल कितनी जगह पे कट कर रही है एक ही जगह पे यहां पे भी कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है केवल और केवल एक ही पॉइंट पे गेटिंग माय पॉइंट वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या हुआ इफ यू आर अ लाइन इज टू वाई एक्सिस इफ इट कट्स द लाइन अगर वो लाइन सिंगल पॉइंट पे कट कर करिए ग्राफ को देन इट इज अ फंक्शन अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन गेटिंग माई पॉइंट चलो नोट कर लो वर्टिकल लाइन टेस्ट ध्यान रखना प्लीज सभी बच्चे वर्टिकल लाइन टेस्ट ध्यान रखना है ना वर्टिकल लैंड टेस्ट ध्यान रखना सभी लोग ठीक है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़े है ना नेक्स्ट बात देखते हैं। कुछ सवाल पूछूंगा मैं आपसे आपको मुझे जवाब देने हैं है ना जैसे कि मैं आपसे पूछा कि डोमेन क्या है व्हाट इज डोमेन बताओगे मुझे व्हाट इज डोमेन है ना व्हाट इज डोमेन अच्छा डोमेन पढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा तो आप मुझे जवाब देंगे उन बातों का कि वो जरूरी बातें क्या क्या हैं आई वॉन्ट टू नो कि डोमेन से पहले मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहली बात सबसे पहली बात मैं आपसे क्या जानना चाहूंगा मुझे ये बताओ एन सी आर टू बी डिफाइन है ना अगर आप चाहते हो कि एनसीआर डिफाइन हो तो क्या क्या कंडीशन होती है जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से बता दो लाइव वाले बच्चे भी बता दो आप भी बता दो फॉर एनसीआर टू बी डिफाइन

n is greater than equal to r बराबर भी तो हो सकता है n is greater than equal to r बहुत बढ़िया तीसरी कंडीशन बताओ क्या होगी है? कौन ग्रेटर हाँ, बिल्कुल सही बात है r is greater than equal to 0 एब्सोल्युटली करेक्ट r is greater than equal to 0 और क्या कंडीशन हो सकती है और क्या कंडीशन हो सकती है n is greater than equal to 1 n का वैल्यू अरे 1 n तो कुछ आएगा ही सही ना n कैसे 0 हो सकता है शुड बी ग्रेटर इक्वल टू वन अच्छा तो ये सारी कंडीशन आपको ध्यान रखनी एनसीआर के लिए अगर आपका एनसीआर डिफाइन होगा एन और आर इंटीजर होने चाहिए एन ग्रेटर टू आर होना चाहिए आर ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए और एन ग्रेटर इक्वल टू वन होना चाहिए ठीक है इसको नोट करो मैक्ट सवाल देता हूं आपको इसको नोट करो फटाफट से कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको है ना पढ़ने से पहले फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स सैटिस्फाइंग एक सवाल है फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स सैटिस्फाइंग देखते कितने बच्चे कर सकते हैं सवाल को x 3 c 20 x जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स सैटिस्फाइंग x 3 c 20 x जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से, फटा -फट से लाइव वाले बच्चे आप लोग भी बताइए जल्दी से Find number of integers satisfying X -3, -X. जल्दी से बताइए। कितने इंटीजर होंगे जिसको जिसको करेंगे? यानी की कितनी वैल्यू होगी करेगी? बताइएडी हाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वैल्यूज होंगी एक्स की ऐसी ओके एल्स बड़ी एल्स हु कैन टेल मी

बिल्कुल आराम से सोचो पता ये आंसर क्या आएगा एनीबडी अमित कुमार अमित कुमार इज सिंग टेन ओके अमित एनीबडी एल्स एनीबडी एल्स इन द लाइव क्लास जो बता सके टेन हमारा एक जवाब आया है टेन एनी बडी एल्स और कोई बता सकता है बच्चों और कोई बता सकता है बच्चों हैं ऐसी कोई वैल्यू ना निकले अच्छा एक जवाब ये भी है कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी एनी बडी एल्स इतना सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा है आपको एनसीआर को डिफाइन करना है और आपको बताना है कि आंसर कितना आएगा एनी बडी इन क्लास कोई तो बता सकता होगा चलो देखते हैं मैं सॉल्व करता हूं क्योंकि काफी टाइम दे दिया मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कितना आ रहा है चार आ रहे एनी बडी एल्स और कोई बताना चाहेगा तू बताएगा आंसर कितना आ रहे? नहीं पता तेरे को कोई बात नहीं श्री ओके okay, तो देखिए मुझे सबसे पहली कंडीशन क्या होगी जल्दी से बताओ एक्स माइनस थ्री क्या टू वन होना चाहिए फोर yes no. तो पहली कंडीशन आएगी यस और नो बताओ दूसरी कंडीशन क्या आएगी एन इज ग्रेटर इक्वल टू आर

ग्रेटर इक्वल टू कितना होना चाहिए जीरो चाहिए? इसका मतलब क्या होगा जीरो थोड़ी होगा? है? क्या अच्छा ये तो आ रहे है ना अच्छा ट्वेंटी माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर इक्वल टू कितना होना चाहिए जीरो तो यहां से सोल्व करोगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू कितना ट्वेंटी आ, आ जाएगा अरे सही बात है ना और बाकी सब तो सोल्व कर ही लिया और तीनों को देखो आप पहली कंडीशन क्या कह रही है कि X का वैल्यू या दूसरी कंडीशन क्या कह रही है इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा तीसरी कंडीशन क्या रही है कि X का या ट्वेंटी से छोटा होगा तो ट्वेंटी यहां पे आएगा ट्वेंटी के, तो के बराबर या ट्वेंटी से छोटा तीनों केसेस का इंटरसेक्शन देखो क्योंकि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है तो तीनों केसेस का इंटरसेक्शन कितना आएगा बताओ कि सर एक्स का वैल्यू जो जाएगा वो 11.5 से लेके 20 तक जाएगा गेटिंग माय पॉइंट एक्स का वैल्यू 11.5 से लेके कहां तक जाएगा 20 तक तो बताओ कितने इंटीजर आएंगे फटाफट से बताओ क्या क्या इंटीजर आएंगे एक तो ट्वेल्व आएगा एक कितना आएगा थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी कितने काउंट करूं तीन और तीन छीन नौ तो इस सवाल का सही जवाब है आर आर इंटीजर्स सेटिस्फाइंग है ना बहुत गलत बात है सिंपल सा सवाल था सभी लोगों से होना चाहिए था डू इट फास्ट है ना तो काफी कम बच्चों ने इसका जवाब दिया जबकि बहुत इजी सवाल था आप सभी से यह सवाल होना चाहिए था है ना यह सवाल सभी से होना चाहिए था बच्चों जो कि आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके ठीक है नोट करो फटाफट से नोट इट डाउन ये पहली बात मैंने आपको बताई ठीक है नोट कर लिया आपने है ना तो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करो आपका आंसर आएगा ठीक है नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या है सर हमारा सेकेंड पॉइंट यह है कि आपको एल्सियम निकालना आना चाहिए है ना मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं ये बात पर मैं फंक्शन में फिर से ऐड करूंगा कि आप सभी को आना चाहिए कि एल्सियम कैसे निकालते हैं बताया था मैंने है ना और आपने बहुत बार गड़बड़ की थी तो मेरे कुछ सवाल हैं आपके सामने सबसे पहले मुझे एल्सियम चाहिए पाई और पाई स्क्वायर का सेकेंडली मुझे एलसीएम चाहिए रूट थ्री और रूट सिक्स का क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बातें जो हमें आनी चाहिए डेट शुड बी क्लेरिफाइड ये सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं तीसरी बात की बात कर रहा हूं मैं आपको मुझे एलसीएम चाहिए किसका टू पाई और सिक्स पाई का ठीक है टू पाई और सिक्स पाई का एल्शियम चाहिए फोर्थ अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे किसका एल्सियम चाहिए बस ठीक है ये तीन बहुत है

अच्छा आपने गलती करी थी एक बार याद है आपको हाँ पाई और पाई स्क्वायर का एल्शियम कितना आएगा बता दो एक साथ पहले निकाल लेते हैं अच्छा और इसका एल्शियम भी और इसका एल्शियम भी एक एक करके फटाफट से बता दो एल्शियम क्या क्या आएंगे इसके ठीक है सबसे पहले वाले का एल्शियम कितना आएगा पाई स्क्वायर आएगा ना यस और नो सबसे पहले का एल्शियम कितना आएगा पाई स्क्वायर आएगा यस और नो अरे आएगा ना पाई स्क्वायर देखो ना पाई और पाई स्क्वायर का एल्शियम कितना आएगा पाई स्क्वायर आएगा सही बात है पर गलत है इसका एल्सियम क्या होगा जल्दी से बताओ इसका एलसीएम होगा नॉट डिफाइंड रीजन बताओ क्या अगर आपने पाई स्क्वायर इसका एलसीएम ले लिया तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम इज द द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स यानी पाई पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय करोगे तो पाई पाई आ जाएगा और एक इंटीजर नहीं है बट पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर करोगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा जो कि एक इंटीजर है इसका मतलब पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम नॉट डिफाइन है पाई स्क्वायर के बराबर नहीं होगा यह बात ध्यान रखना रूट थ्री और रूट सिक्स का बताओ जल्दी से है ना रूट रूट सिक्स का से बता दो से है। 6 आएगा ना पक्का बताओ 6 आएगा कि नहीं आएगा हैं जल्दी रूट सिक्स डिवाइड बाई रूट थ्री इंटीजर थोड़ी ना आएगा तो डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है अरे नहीं डिफाइन है इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए अच्छा अगले वाले का बताओ आंसर कितना आएगा 2 और 6 का बताओ जल्दी से टू पाई और सिक्स पाई का एलसीएम कितना, कितना आएगा जल्दी से बताओ टू पाई और कितना आएगा वही तो पूछ रहा हूँ कितना आएगा तुम बताओ क्या इसका LCM, 6 आएगा yes or no? आएगा क्या क्यों आएगा सिक्सियम सिक्स बाई एलसीएम क्या होता है नंबर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सही नहीं है चलो लास्ट वाले का बताओ लास्ट वाले का एलसीएम कितना आएगा लास्ट वाले का कितना आएगा? जल्दी बताओ। जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, ठीक है? याद रखेंगे इस बात को। Next, आगे बढ़ते हैं। थर्ड बात की तरफ वॉट इज थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं हाँ अगर मान लीजिए मेरा ए बिलोंग कर रहा है आ, वन से लेके फोर तक तो कोई बताएगा ए स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा जल्दी से बताओ ए बिलोंग कर रहा है वन से लेके फोर तक तो बताएगा ए स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा जल्दी से बताओ हैं जल्दी से बताओ ए स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा पक्की बात है क्या पक्की बात है क्या वन से लेके तक बिलोंग करेगा यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट फिर मैंने आपसे पूछा कि ए बिलोंग कर रहा है माइनस टू से लेके सेवन तक तो बताओ ए स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा ए आपका माइनस टू से सेवन तक जा रहा है तो ए स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा जल्दी बताओ कितना आएगा फोर से लेके फोर्टी नाइन बोलो 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 फोर से लेके फोर्टी कितना कितना जीरो से लेके फोर्टी करेक्ट तो इसका सही जवाब आएगा जीरो से लेके दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट इसका सही जवाब आएगा जीरो से लेके फोर्टी नाइन क्या बात है आपको तो आता है सब है ना इसका सही जवाब है जीरो से लेके फोर्टी नाइन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरा मैंने आपसे पूछा इसका जवाब दीजिएगा ए बिलोंग कर रहे हैं माइनस नाइन से लेके सेवन ए बिलोंग कर रहा है, 9 से अच्छा, ये ऐसा होता है बताओ आप ए का वैल्यू माइनस टू से 7 तक ले जा रहे थे। पर आपने फोर से लेके फोर्टी नाइन तक, तक, तक क्यों नहीं लिखा उसके पीछे रीजन ये था कि स्क्वायर करने से अगर फोर से फोर्टी नाइन चला गया तो बहुत सारे नंबर के स्क्वायर मिस हो जाएंगे जैसे माइनस टू सेवन के बीच में जीरो भी आ रहा है उसका स्क्वायर मिस हो जाएगा माइनस uh, टू से सेवन के बीच में माइनस वन भी आ रहा है उसका स्क्वायर मिस हो जाएगा वन आ रहा है उसका स्क्वायर मिस हो जाएगा समझ रहे मेरी बात को इसलिए जीरो से फोर्टीन ए माइनस नाइन सेवन जा रहा है कोई बताएगा ए स्क्वायर किसका कोई बताएगा स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा जल्दी बताओ जल्दी से बताओ ए स्क्वायर कहां से कहां जीरो से लेके एटी वन तक जाएगा यस yes. जीरो से लेके कहां तक जाएगा एटी वन तक जाएगा क्यों जाएगा क्योंकि यहां पे अगर आपने भाई उल्टा तो लिख नहीं सकते 81 से 60 uh, 49 तक तो नहीं लिख सकते आप क्या लिखोगे इसको जीरो से लेके 81 तक लिखोगे आपको यह चेक करना है कि सारे नंबर्स के स्क्वायर इंक्लूड हुए हैं या नहीं है सही है अच्छा अगला बताना अब ये डिफिकल्ट है ए मेरा जा रहा है माइनस टू से लेके सेवन ए मेरा जा रहा है माइनस टू से लेके अच्छा पहले सिंपल ले लेते ले हैं चलो पहले सिंपल ले लेते ले हैं ए का वैल्यू टू से लेके थ्री तक जा रहा है बताओ वन बाय ए कहां से कहां तक जाएगा जल्दी से बताओ ए का वैल्यू टू से लेके थ्री तक जा रहा है बताओ वन तक जाएगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ हैं जल्दी से बताओ कहां कहां से तक जाएगा पक्का सोच लो कहा का वैल्यू टू से लेके थ्री तक जा रहा है तो कहां से कहां तक जाएगा हा वन बाई थ्री से लेके वन बाई टू सही है क्या बात बिल्कुल सही बात है है ना वन बाई थ्री से लेके वन बाई टू तक जाएगा अच्छा अगर मैंने आपको ए बिलोंग करवा दिया माइनस टू से लेके सेवन तो कोई बताएगा वन बाय ए कहां से कहां तक जाएगा ये इंपॉर्टेंट है देखते कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं ए जा रहा है माइनस टू से लेके सेवन है ना एक बात ध्यान रखना कि ए का वैल्यू टू से लेके थ्री तक जा रहा है तो रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल वन बाय टू आएगा यानी पॉइंट फाइव इसका रेसिप्रोकल आएगा वन बाई थ्री यानी पॉइंट थ्री थ्री तो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाओगे ना इसलिए वन बाई थ्री से वन बाई टू या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि साइन ऑफ इन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ए का वैल्यू टू से लेके थ्री तक जा रहा है तो वन अपॉन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाई थ्री से लेके वन बाई टू और ये वाली बात तो आपको क्लियर है ही सही याद रखना कि हर एक नंबर का स्क्वायर कवर होना चाहिए अब ए माइनस से सेवन तक जा रहा है तो उसका स्क्वायर बड़े नंबर तक जाएगा स्टार्ट तो जीरो से होगा पर बड़े नंबर तक जाएगा यह बताओ ए माइनस से सेवन जा रहा है सोच लो सोच लो सोच लो नहीं नहीं, 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 नहीं गलत सोच रहे हो आप गलत सोच रहे हो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या आएगा अगर मैं आपसे बोलूं कि a का वैल्यू माइनस टू से सेवन तक जा रहा है ये बहुत बेसिक चीज है जो मैं आनी चाहिए फंक्शन पढ़ने के लिए अदरवाइज तो आप फंक्शन ही नहीं सकते फंक्शन पढ़ने से पहले आपको फंक्शन के बेसिक पढ़ने पड़ते हैं है ना तो डायरेक्टली तो फंक्शन नहीं पढ़ सकते ये बताओ बाय अच्छा, वैल्यू माइनस टू सेवन है तो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आता है इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन बाई टू और यूनियन अगला कितना आएगा बेटा वन बाई सेवन से लेके इन्फिनिटी सोचो आप माइनस टू से जीरो तक जा रहे हो फिर जीरो से सेवन तक जा रहे हो तो माइनस टू से अगर जीरो तो जा रहे हो तो नेगेटिव में जा रहे हो और जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है इन्फिनिटी होता है

माइनस वन बाई थ्री क्लोज ब्रैकेट यूनियन अगला कितना जाएगा वन बाय एट से लेके इन्फिनिटी अरे गेटिंग माय पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन बाई थ्री यूनियन वन बाय एट से लेके इन्फिनिटी दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इसको ध्यान रखना सबसे ज्यादा बच्चा गलती कर देता है यहां पर नोट इट डाउन नोट करो फटाफट से नोट इट डाउन बिल्कुल सही बात है धीरे धीरे हम फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना धीरे धीरे अभी पहले बेसिक्स पढ़ रहे हैं फिर फंक्शन में इन्वॉल्व होंगे अच्छा डोमेन क्या होती है बताओ व्हाट इज डोमेन व्हाट इज डोमेन बेटा डोमेन क्या होती है जल्दी से बताऊं सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज क्या बोलूंगा मैं डोमेन को है ना सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज इज फॉर फंक्शन कुल मिला के आपको फंक्शन को क्या करना है बेटा डिफाइन करना है ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है ठीक है ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है नोट कर लो कर लो कर लो नोट कर लो फटाफट से ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या है आपका डिफाइन ठीक है यस के डी है ना सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विज द फंक्शन इज अब मेरे छोटे छोटे सवाल है आपसे ध्यान से देखना मेरे छोटे छोटे सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा पहला सवाल मुझे एक बात बताओ वन अपॉन एक्स माइनस टू का डोमेन क्या होगा जल्दी से बताओ वन अपॉन एक्स माइनस टू का डोमेन क्या होगा जल्दी बताओ वन अपॉन एक्स माइनस टू का डोमेन क्या होगा तुम यहां पे बोलोगे सर एक्स की सारी वैल्यू ले लो सर बस क्या मतलब टू मतलब सर क्यों टू पे क्या हो जाएगा Undefine हो जाएगा समझ लिख सकता हूं? To? Yes no? सही बात है ये इसकी हो जाएगी X belongs to R, except? To. अच्छा अगले सवाल का जवाब देना अगर मैंने आपके एक बात बताओ अंडर रूट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए क्या वो जीरो के बराबर हो सकती है यस yes, हो सकती है तो ये बात ध्यान रखना अगर तुम्हें इसकी डोमेन निकालनी है तो एक्स स्क्सर का वैल्यू हमेशा क्या आएगा ग्रेटर इक्वल टू अरे चमका क्या बात एक्स स्क्वायर माइनस फोर अच्छा अगर ये रेसिप्रोकल में आता तो क्या करते हैं वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर अगर ये रेसिप्रोकल में आता क्या इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते थे क्यों अनडिफाइन हो जाएगा अरे सोचो ना बात को अंडर रूट है पर डिनोमिनेटर में चला गया पर अगर जीरो के बराबर हो गया तो हो जाएगा तो यहां तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू क्या माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी गेटिंग बेसिक बेसिक सवाल करवा रहा हूं अभी मैं है ना चलो मेरा तीसरा सवाल आप सबसे मेरा तीसरा सवाल आप सबसे है है ना देखते कितने बच्चे बता पाते हैं मेरे तीसरे सवाल का जवाब तीसरा पार्ट, है ना आ, मुझे फंक्शन दे रखा है one upon, one upon cos x. कोई बताएगा इसकी डोमेन क्या आएगी एफेक्ट मुझे दे रखा है वन अपॉन वन अपॉन x कितने लोग मुझे इसका डोमेन बता सकते हैं जल्दी से बताइए मान जाऊंगा मैं कितने बच्चे है ना इसका डोमेन बता सकते हैं जल्दी से बताइए फटाफट से फटाफट से बताइए जल्दी से बताइए कितने लोग इसका डोमेन बता सकते हैं व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस इसका डोमेन क्या आएगा जल्दी बताओ है कोई बच्चा जो इसका डोमेन बता दे मुझे है कोई बच्चा जो इसका डोमेन बता दे हाँ तू बता सकता है तू बता सकता है क्या आएगी इसकी डोमेन अच्छा अच्छा तू क्या कहना चाहता अच्छा, है अच्छा 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 क्या कह रहा है सिंपल कॉशिक्स ही तो लिखा हुआ है तुम यही तो नहीं समझ रहे कॉशिक्स ही तो लिखा हुआ है अब मैं आपको कॉशिक्स सिंपल लिख के दे दिया तो कॉशिक्स ही तो लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ हैं? ऐसा क्यों ये तो कॉशिक्स लिखा हुआ है सिंपल तो वन बाय कॉशिक्स लिखा हुआ है तो वन अपॉन वन तो कॉशिक्स ही होगा ना बैट 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 अच्छा उसमें क्या हो गया तो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा लाइव वाले बच्चे आप भी बताइए इसका आंसर क्या है, I am waiting for your response. है ना कितना आप अच्छा, कितने लोग एग्री करते हैं कि इसका डोमेन आएगा, आएगा आर के बराबर कोई बताएगा इस फंक्शन का डोमेन ऑफ एफ वो आर आएगा कितने लोग एग्री करते हैं अरे करो ना एग्री करो करो ना अब क्यों एग्री नहीं कर रहे आप एग्री कर सकते हो करो ना एक बात बताओ मुझे एग्री करो यहाँ पे क्या इसका आर आएगा यस और नो इसका जवाब है नहीं इसका डोमेन आर नहीं आएगा बताओ क्या रीजन है आर नहीं आएगा क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना फॉर हमेशा एक बात ध्यान रखना वन अपॉन ए कहीं पे भी वन अपॉन ए लिखा हुआ है वन अपॉन ए टू बी डिफाइन है ना वन अपॉन ए को डिफाइन करना है फॉर वन अपॉन ए टू बी डिफाइन ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए शुड बी डिफाइंड ए शुड भी डिफाइन दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों फॉर वन अपॉन ए टू बी डिफाइन ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और साथ के साथ ए को भी डिफाइन होना पड़ेगा यहां पे ए का काम कौन कर रहा है वन अपऑन कॉसेक्स तो आपको वन अप ऑन कॉशेक्स का भी ध्यान रखना है कि वन अपऑन कॉसेक्स डिफाइन होना चाहिए अब कोई बच्चा आया वो मुझसे पूछा कि सर आप एक बात बता दो सिंपल सी मुझेक्स तो ही लिखा हुआ है तो फिर तो फायदा क्या हुआ सर बेटा डोमेन हमेशा फंक्शन की ओरिजिनल फॉर्म में निकाला जाता है क्या बोला मैंने फंक्शन का डोमेन जो है हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में निकाला जाता है नहीं, जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्म में सवाल का डोमेन निकलेगा हमेशा इस बात का ध्यान रखना एवरी वन ईच एंड एवरी वन रिमेंबर दिस थिंग है ना इस बात का ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत सारे बच्चे यहां मात खा जाते हैं आई एम टेलिंग यू द पॉइंट जहां पर बच्चा गलती करता है जहां गलती करता है यहाँ पे आप फट देने क्या लिख दोगे आर जैसे आपने आर लिख दिया सवाल खत्म क्योंकि आपको दिखेगा एक्स। और में तो आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि डोमेन जो निकाली जाती है ऑफ द क्वेश्चन दैट शुड बी इन द ओरिजिनल फॉर्म क्वेश्चन आपका ओरिजिनल फॉर्म छेड़छाड़ नहीं करनी समझ रहा ना तुम्हारी आदत है तुम्हारी खुजली होती है क्या

पॉजिटिव होना चाहिए बी क्या होना चाहिए बी क्या होना चाहिए बेस बी क्या होना चाहिए बेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो बेस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बेस भी हमेशा पॉजिटिव होगा यस yes. और तीसरी कंडीशन एक और होती है बताओ क्या बेस कभी भी वन नहीं हो सकता यस yes. तीनों बातें ध्यान रखेंगे है ना तीनों बातें ध्यान रखेंगे फॉर लॉग ए टू द बेस देश जीरो बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो बेस शुड नॉट बी इक्वल टू वन सही बात है इतना नोट करो फटाफट से जल्दी से नोट करो इतना फिर आगे बातें बताऊंगा आपको है ना होपफुली आपको कोई मसला तो नहीं है, है? सी वाले का डोमेन हाँ तो इसका डोमेन मैं लिख देता हूं ना इसका डोमेन पता है क्या होगा देखो इसका डोमेन होगा आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू सारे नाइनटी के मल्टीपल जितने भी नाइनटी के मल्टीपल आप नहीं ले सकते ने. Good, शाबाश. है ना तो लाइव वाले बच्चों कोई मसला तो नहीं है फटा फटाफट से सभी लोग लाइव में लिख दे नो मसला है ना जल्दी से सभी लोग लिख दे नो मसला अभी तक सही है समझ में आए सारी बात एक एक करके मैं क्लियर कर रहा हूँ एक एक पॉइंट को हम बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करने वाले है ना We're going to talk upon so many points. Take it. Note it down, guys. ठीक है आगे बढ़े लिख लो आपको बस ये बात ध्यान रखना है आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए नथिंग एल्स अगर आपका फंक्शन डिफाइन है तो सब कुछ सही है है ना अगर आपका फंक्शन डिफाइन है तो एवरीथिंग इज फाइन आपको बस कुछ छोटी छोटी बातों तो का ध्यान रखना जिसमें से एक इंपॉर्टेंट बात ये है यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट अदरवाइज आप गलती कर बैठेंगे ठीक है चले आगे बढ़े नेक्स्ट मेरा अगला पार्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छा, बताएगा मुझे अगर मुझे किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है है ना f प्लस माइनस जी का और f इनटू जी का है ना दो फंक्शन एड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, हो रहे हैं तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे इसका डोमेन आएगा किसके बराबर डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन का मतलब समझते हो एफ का डोमेन निकालेंगे और जी का डोमेन निकालेंगे दोनों का क्या ले लेंगे बेटा इंटरसेक्शन ले लेंगे है ना डोमेन ऑफ प्लस माइनस जी कॉमा एफ इंटू जी यह पहली बात दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी अगर आपको निकालना है डिवाइड में आ रहे फंक्शन तो यहां पे जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी एंड एक बात का ध्यान रखना है कि जी इज नॉट इक्वल टू जीरो फंक्शन आपका जी वाला जो है जीरो नहीं होना चाहिए समझ गए बात को जैसे कि एग्जाम्पल करूं मैं आपसे मुझे डोमेन निकालना है साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का कोई मुझे बताएगा इसका डोमेन क्या आएगा एनीबडी कैन टेल मी द डोमेन ऑफ दिस साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आएगा एनी बडी कैन टेल मी द डोमेन ऑफ दिस कोई बच्चा बता सकता है इसका डोमेन क्या आएगा sin x का sin इनवर्स x जल्दी बताओ sin x का sin इनवर्स x व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस जल्दी बताओ तुम्हें यही नहीं पता होगा इसका डोमेन क्या होता है है ना तुम्हें यही नहीं पता होगा इसका डोमेन क्या होता है अभी है ना नहीं पता ना मैं आपको बता देता हूं है ना sin इनवर्स ऑफ x है ना sin इनवर्स x कॉज इनवर्स x आर डिफाइंड फॉर है ना आर डिफाइंड फॉर

आएगा कि नहीं आएगा इसका डोमेन क्या आएगा बताओ माइनस वन से लेके वन तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा दोनों का इंटरसेक्शन आएगा बेटा माइनस वन से लेके वन दिस इज माय पॉइंट मैंने आपको बताई दूसरी बात और ध्यान रखनी है आपको क्या कि इनवर्स एक्स कॉमा कॉस एक इनवर्स एक्स आर डिफाइंड सेक इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स आर डिफाइंड फॉर किसके लिए डिफाइन है एक्स बिलोंग्स टू याद आ रहे माइनस इन्फिनिटी से लेके कहा तक बताऊ माइनस वन तक वेरी गुड यूनियन कहां से कहां तक वन से लेके इन्फिनिटी ध्यान रखने X and cosec X are for X to से के बाद यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी सही बात है चलिए अब मेरा अगला सवाल है मुझे फिर से डोमेन पूछनी है आपसे किसकी डोमेन पूछनी है जल्दी से बताना अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस टू इंटू में अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू जल्दी बताओ इसकी डोमेन क्या है? जल्दी से इसकी डोमेन बताओ कितनी आएगी x प्लस टू है ना अंडर रूट के अंदर x प्लस टू और अंडर रूट के अंदर x माइनस टू जल्दी से बताओ इसकी डोमेन क्या आएगी वॉट विल बी द डोमेन ऑफ दिस वॉट विल बी द डोमेन ऑफ दिस कितनी आएगी अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर बन जाएगा अरे कर सकते हैं ना कर दो तुम तो नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते बताओ क्योंकि मैंने सिखाया है कि डोमेन जो निकलती है हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में निकलती है अगर आपने इसको ये कर दिया तो खेल खत्म है खेल खत्म यह मैं पहले निकाल चुका हूं इसका पता है आंसर कितना आता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी पर यहां देखो आंसर क्या आएगा

क्लोज ब्रैकेट टू से लेके इनफिनिटी और वहां देखो वहां देखो क्या ये तरीका गलत है यस और नो यस क्योंकि आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते आई एम फोकसिंग ऑन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन विच स्टूडेंट कमिट द मिस्टेक बच्चा गलती करता है वहां पे मैं आपसे बता रहा हूं आप ऐसा नहीं लिख सकते है ना आप ऐसा नहीं लिख सकते ये बात ध्यान रखना ठीक है इतना नोट करो फटाफट से हाँ x belongs to defined for का मतलब है x की वैल्यू क्या ले सकते हो डोमेन की बात चल रही है रेंज की बात नहीं चल रही है, ये इनवर्स है ये sec x और cosec x नहीं है है ना तुम y को ढूंढ लो बस वहां पे है ना तुम y को ढूंढ लो है ना सर्च फॉर y y कुछ लगती है तेरी है कि x से y तेरी x तो नहीं है नहीं ना उसको कैसे ढूंढ रहा है फिर तू तो? प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं सही हो जाएगा सॉरी गड़बड़ कैसे हो जाएगा सही हो जाएगा सॉरी

गेटिंग माई पॉइंट है ना ये एंगल देता है आपको वो वैल्यू देता था वहां पे इनपुट में आप एंगल पुट करते थे आउटपुट में वैल्यू निकलता था पर यहाँ पे इनपुट में वैल्यू है तो आउटपुट में एंगल आएगा राइट चलिए आगे बढ़े लिख लिया आप सबने ठीक है तो मेरा अगला सवाल ये तो नोट कर लू ये तो ये तो रख कर वाला हाँ उधर वाला नहीं कर रहा लिख लो लिख लो रो मत बेटा मत लिख ले बिल्कुल सही बात आरजे एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है नोटेड मेरा अगला सवाल है यार आपसे बता दो इसका आंसर कितना आएगा कितने बच्चे इसका आंसर बताओ वो डोमेन की बात चल रही है? है ना डोमेन की बात चल रही है चलो एक काम करते हैं मैं आपको बहुत सारे सवाल देता हूँ और मैं टाइम देता हूँ एक एक सॉल्व करने का आपको ठीक है रब कर इसको देखते हैं आप कितने सवालों को सही सॉल्व कर पाते हैं और कितने सवालों में आप गलती करते हैं तो काफी सारे सवाल है मेरे पास तो मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछता हूं सवाल क्या है फाइन डोमेन बस और कुछ नहीं है है ना सात आठ सवाल मैं आपको दूंगा और देखते कितना आप सीखे सबसे पहला सवाल सबसे पहला सवाल है एल एन एक्स माइनस फोर ठीक है पहला सवाल तो ये हो गया और दूसरे सवाल की बात करूं तो आपका दूसरा सवाल है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एल एन तीसरा सवाल है आपसे अपॉन अंडर रूट के अंदर माइनस का और मेरा चौथा सवाल है आप सभी से अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस मॉडेक्स मुझे हर केस में डोमेन चाहिए चार सवाल मैंने आपको दिए मुझे हर केस में डोमेन चाहिए एक एक करके फटाफट से मुझे डोमेन बता दो सभी लोग एक एक करके मुझे चारों फंक्शन की डोमेन बता दो एक एक करके टेल मी द डोमेन फास्ट जल्दी से बता दो क्या क्या डोमेन आएगा है ना जल्दी से बता दो क्या क्या डोमेन आएगा पहले वाले सवाल का डोमेन क्या आएगा 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 दूसरे वाले 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 का 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 डोमेन डोमेन क्या क्या तीसरे जल्दी से से बता दो इज सेइंग पहले लेके डोमेगा ओके पहले वाले का डोमेन okay. क्या आएगा दूसरे वाले का डोमेन क्या आएगा तीसरे वाले का डोमेन क्या आएगा और चौथे वाले का डोमेन क्या आएगा जल्दी से बता दो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ ऑल द फोर फंक्शन जो मैंने आपके सामने लिखे वॉट विल बी द डोमेन्स बता दो फटाफट से डोमेन्स क्या क्या आएगी यहाँ पे पहले वाले की डोमेन क्या आएगी सही बात है यहाँ पे एल एन आ रहा है और एलन का नंबर कितना है एक्स माइनस फोर तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि एक्स माइनस फोर को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा यानी एक्स का वैल्यू फोर से बड़ा आ जाएगा और एक्स का वैल्यू फोर से बड़ा आ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा फोर से लेके इन्फिनेटी सेकंड वाले का आंसर बताओ फटाफट से वट विल बी द आंसर ऑफ सेकंड है ना सेकंड वाले का डोमेन बताओ क्या आएगा जल्दी से वट विल बी द डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन जल्दी से बताओ सेकंड वाले का डोमेन कितना आएगा जल्दी से एवरीबडी जल्दी से बताओ सेकेंड वाले का डोमेन कितना आएगा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एल एन एक्स लिखा हुआ है एल एन एक्स हर नंबर के लिए डिफाइन होता है मतलब एल एन एक्स नहीं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी पुट करो उसका पार्ट तो निकलेगा फ्रैक्शनल पार्ट तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा कितने बस आप तो लॉक को डिफाइन कर दो

थर्ड वाले का आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा जल्दी से थर्ड वाले का आंसर वाले बच्चे हैं आप सभी जवाब देते गुड अरविंद करेक्ट वेरी गुड हाँ भाई बताओ थर्ड वाले का आंसर हाँ कितना आएगा व्हाट विल बी आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन अच्छा एक बात बताओ वन अपॉन में लिखा हुआ है पहली बात अंडर रूट में लिखा हुआ है दूसरी बात हम जानते हैं कि सर अंडर रूट में जो क्वांटिटी लिखी होती है, वो हमेशा क्या होती है जीरो से बड़ी होती है बराबर करेंगे कि इसको? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मॉड एक्स, एक yeah, no. एक्स हमेशा एक से बड़ा है तो मॉड एक्स हमेशा एक्स से बड़ा है तो कोई बताएगा एक्स कहां से कहां तक जाएगा जल्दी से बता दो एक्स कहां से कहां तक जाएगा अच्छा एक्स को मान लेते अपन ने टू ले लिया सपोज करो एक्स को टू ले लिया तो मोड ऑफ टू टू आएगा टू ग्रेटर टू सही है कि गलत है गलत है अरे गलत है भाई गलत तो गलत है टू टू से कैसे बड़ा हो सकता है हाँ तो सही जवाब क्या होगा इसका बताओ सही जवाब बताओ देखो लाइव वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं हमारे क्या सही जवाब होगा है ना कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं माइनस आर आर माइनस कहने का मतलब क्या सही जवाब होगा माइनस देखो यानी ये तो पूरे पॉजिटिव नंबर्स के लिए फेल हो गया अच्छा जीरो के लिए भी फेल हो गया क्योंकि जैसे एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो का जीरो डन जीरो, जीरो से बड़ा होता है क्या नहीं होता अरे होता है क्या अबे तुम ऐसी है? है नहीं होता ना हाँ। तो एक्स क्या जल्दी से बताओ माइनस इनफिनिटी से लेके जीरोस्फाई है माइनस थ्री बाई टू ले लो माइनस थ्री बाई टू का मॉट कितना थ्री बाई टू और यहां पे माइनस थ्री बाई टू तो थ्री बाई टू अरे चमका क्या चमका चमका सबको आखिरी वाले का आंसर बता दो

जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है जीरो आ रहा है? हैं? जीरो से इनफाइनइट आएगा सोच लो जीरो से इनफाइनइट नहीं होगा तो क्या होगा यार मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे आंसर का जल्दी से बता दो क्या आएगा सोच लो सोच लो क्या आंसर आएगा हैं पक्का जीरो सेटिस्फाई कर रहा है कि यस और नो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा ये बता दो फटाफट से करेगा कि नहीं करेगा जीरो

इन्फिनिटी अरे चमका क्या भाई ये बहुत मस्त मस्त चीजें होती है जो आपको आनी चाहिए ठीक है नोट इट डाउन फटाफट से और सवाल दूंगा है ना रेडी सब लोग हाँ बिल्कुल सर जीरो से लेके इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर नहीं ऑल रियल नंबर कैसे आ जाएगा आरजे ऑल रियल नंबर तो आ ही नहीं सकता किसी हालत में माइनस इन्फिटी से प्लस इन्फिनिटी नो 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 यू आर रॉन्ग चमका तेरे को चमका ठीक है आगे बढ़े फिफ्थ देखो बालक है ना फिफ्थ देखो

इन तीनों सवाल में आपको डोमेन बतानी है। फाइंड पहले वाले सवाल का जवाब जल्दी से बताइए पहले वाले सवाल का जवाब क्या आएगा है ना जल्दी से बताइए पहले वाले सवाल का जवाब क्या आएगा? एवरीबडी टेल द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फिफ्थ वाले का इट्स ओके आरजे हो जाती गलती कोई बात नहीं जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री अच्छा चमक रहा है तुम्हें पक्का तो ठीक है सही कह रहा है तुम लोग मतलब तो तुम क्या कहना चाहते हो कि सर यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है अब डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो अनडिफाइन नहीं होना चाहिए सर अब डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो डिफाइंड नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस थ्री ये जीरो नहीं होना चाहिए

क्लोज ब्रैकेट थ्री से लेके फोर ओपन ब्रैकेट यस और नो सही आ गया था तेरा तेरा भी सही आ गया था सबका सही वेरी गुड एक्सीलेंट सही आया थ्री से लेके फोर आप नहीं ले सकते क्योंकि थ्री से फोर के बीच में जो भी नंबर लोगे मान लीजिए लोग लिया थ्री पॉइंट फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा थ्री थ्री माइनस थ्री जीरो थ्री पॉइंट नाइन नाइन ले लो आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना थ्री थ्री माइनस थ्री यानी आपको थ्री से फोर के बीच में अच्छा फोर पे क्लोज आएगा क्यों ओपन ओपन आएगा क्यों फोर तो ले ही नहीं सकते ना वेरी गुड एक्सिलेंट गाइस एक्सीट अगले वाले का जवाब दो अगले वाले का जवाब दो अगले वाले का जवाब दो फटाफट से जल्दी से अगले वाले का जवाब दो पटेल नहीं बेटा जल्दी से बता दो मुझे कि अगले वाले का जवाब कितना आएगा जल्दी से बता दो कितने लोग हैं जो अगले वाले का जवाब दे सकते हैं एनी बड़ी अगले वाले का जवाब वाले हाँ? वाले का वाले का पक्की बात है सोच लेना गोली मार दी जाएगी तुम्हें अगर गलत जवाब दिया तो <laughs> सोच लेना अगले का जवाब कितना आएगा पक्का है सोच लो जल्दी से जवाब हाँ सिक्स वाले का ऑब्वियस ही बात है सिक्स वाले का तू कौन सा कर रहा है पांच के बाद छह ही आता है अकॉर्डिंग टू द बिगेस्ट लॉ ऑफ मैथमेटिक्स फाइव के बाद सिक्स ही आता है आर माइनस माइनस वन बाई टू अच्छा 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 आर जी सिंह आर ओके जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा क्या मैं बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन ये जीरो नहीं होना चाहिए यस और नो अरे ये जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंडीजर ऑफ एक्स ये क्या नहीं होना चाहिए माइनस वन नहीं होना चाहिए इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंडीजर एक्स कभी माइनस हाफ नहीं होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कभी माइनस हाफ हो सकता है क्या अरे हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होता है अरे यार तो मुझे एक बात बताओ मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू थ्री बाय टू लिख दिया सही है गलत है गलत है ये कभी हो ही नहीं सकता नॉट पॉसिबल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपको हमेशा एक इंटीजर देगा और यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस हाफ आ गया इसका मतलब एक्स का कोई ऐसा वैल्यू होगा ही नहीं जिसके लिए ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका मतलब आंसर क्या आएगा बताओ एक्स बिलोंग्स टू आर अच्छे से खेलो कोई दिक्कत नहीं एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ले लो कोई मसला नहीं है नो no मसला समझ गए बात को देयर इज नो no मसला अगला बताओ जल्दी से वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू एक्स प्लस वन वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू एक्स प्लस का वन वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू एक्स प्लस का वन नहीं से सत्री इट्स नॉट दैट जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से बता दो क्या आंसर आएगा

और कोई बताएगा बेटा क्या आंसर आ सकता है और कोई बताएगा क्या आंसर आ सकता है हैं चलो एक काम करते हैं। तुम्हारी बात मान लेते हैं तुम ये कहना चाहते हो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू एक्स कभी भी माइनस वन नहीं हो सकता अरे समझो ना एक बात बताओ किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन का पता है एक बात बताओ अगर मैं बोलू कि एक्स का वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में जाएगा तो क्या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन आएगा एग्री करते हो कि नहीं करते जल्दी से बता दो किसी भी नंबर का वैल्यू एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन से जीरो के बीच में जा रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा आएगा यस और नो बता आपसे आप पूछा माइनस पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना माइनस वन माइनस का पॉइंट नाइन नाइन माइनस वन समझ रहे हो मेरी बात को इसका मतलब यह हुआ कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन के बराबर है इसका मतलब टू एक्स जो है वो माइनस वन से जीरो के बीच में जाना चाहिए और टू एक्स अगर माइनस वन से जीरो के बीच में जाएगा तो टू से डिवाइड कर दो यानी माइनस हाफ से लेके कहां तक जाएगा जीरो तक यानी ये वैल्यू आप नहीं ले सकते क्योंकि उस पर गड़बड़ हो जाएगी उस उसपे गड़बड़ हो जाएगी ये वैल्यू नहीं ले सकते तो आंसर क्या आएगा बेटा एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट क्या नहीं ले सकते क्लोज ब्रैकेट माइनस हाफ से लेके जीरो गेटिंग माई पॉइंट ये बात ध्यान रखना ठीक है चमका सबको सबको समझ में आया नोटेड डाउन नोट कर लो फटाफट से नोट कर लो जल्दी से नोट कर। आर एक्सेप्ट माइनस नो, 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 नो। से नोट कर लो फटाफट से नोट कर लो अब मैं कुछ सवाल आपको ऑप्शन वाले दूंगा, देखते हैं क्या खेलते हो आप ऑप्शन वाले सवालों में है ना अब कुछ सवाल आपको ऑप्शन वाले दिए जाएंगे देखते हैं आप क्या करते हो रख कर दो उसको हम्म, नोटेड डाउन समझ में आ रहा है ना सब क्लियर एकदम चमक रहा है ना बिल्कुल धीरे-धीरे शुरुआत की है अपन ने अभी है ना धीरे-धीरे शुरुआत की है अपन ने फंक्शन स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी तो बहुत कुछ बाकी है अब कर दें अब चलो मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे ऑप्शन वाले जो कि पास्ट इयर्स में आए हुए हैं सबसे पहला सवाल डोमेन ऑफ है ना बताइएगा डोमेन ऑफ है ना डोमेन ऑफ fx आपको fx क्या दे रखा है बच्चों FX दे थ्री डिवाइडेड बाई फोर माइनस एक्स स्क्स लॉग लॉग में आपको क्या दे रखा है बेस है और यहां पे बोला है एक्स क्यूब माइनस डोमेन बताना है कितना आएगा आर से से यूनियन लेके टू यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी आपका बी ऑप्शन है वन से लेके टू वन से लेके टू इसका सी ऑप्शन है सॉरी वन से लेके टू यूनियन माइनस वन से लेके जीरो सी ऑप्शन है इसका वन हाँ, से लेके टू और डी ऑप्शन है वन से लेके टू यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी आगरा भरतपुर चेन्नई ढोलकपुर जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा ए बी सी डी जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा टेल मी फास्ट वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सोच समझ के जवाब देना है ना ये जेई में आ चुका है सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है डोमेन बताने डोमेन के काफी सवाल आते हैं जेई में है ना डोमेन के काफी सवाल आते हैं जेई में बताइए इस सवाल का आंसर कितना आएगा वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अरे बताएंगे कौस्तुभ। विनय प्रज्वल गेमिंग डी ऑप्शन ओके वन से लेके टू और टू से लेके इन्फिनिटी आपको ऐसा आंसर बताना जो मोस्ट परफेक्ट आंसर हो क्योंकि हो सकता है इसमें से सारे आंसर सेटिस्फाई कर रहे हो आपको वो आंसर बताना दैट डेट इज द मोस्ट परफेक्ट आंसर शिवांग शर्मा इज सेइंग डी ओके शिवांग वेरी गुड शिवांग और कोई बच्चा और कोई बच्चा जल्दी से जवाब दे फटाफट से और कोई बच्चा जवाब दे ए ऑप्शन आएगा अच्छा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा अच्छा तुमने सॉल्व नहीं किया मतलब सेसदरी सेनी बड़ी एल्स एनी बड़ी एल्स तुम लोग क्या जवाब दे रहे हो अच्छा तू क्या जवाब दे रहा है हैं अच्छा बी दे रहा है तुमने सॉल्व किया क्या भाई ये दो अलग अलग फंक्शन है एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है इसकी डोमेन अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी डोमेन अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा सोचो ना बात को अच्छा पहले वाले की डोमेन कैसे निकालोगे बताओ पहले वाले की डोमेन कैसे निकालोगे बताओ के सर थ्री को तो कोई दिक्कत नहीं है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए यानी तो लॉग तो का नंबर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स किससे बड़ा होना चाहिए जीरो से बड़ा यहां से अगर मैं एक्स कॉमन निकाल लू तो एक्स स्क्वायर माइनस वन कितना आएगा जीरो से बड़ा इसके फैक्टर कर लो इसके फैक्टर आएंगे एक्स इन टू एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन जीरो से आ जाएगा कितनी वैल्यू मिलेगी बालक एक तो जीरो माइनस वन और एक प्लस वन तो पॉजिटिव आंसर तो क्या आएगा माइनस वन से लेके जीरो यूनियन वन से लेके इंफिनिटी क्या ये सही है क्या दोनों का ध्यान रखना है दोनों का ध्यान रखना है एक्स टू और माइनस टू नहीं हो सकता क्या इस इंटरवल में कहीं पे माइनस टू आ रहा है क्या नहीं आ रहा क्या इस इंटरवल में कहीं पे टू आ रहा है क्या यस। yes. तो यानी टू को आपको हटाना पड़ेगा इसका मतलब कोई क्या बनेगा वन से लेके टू क्योंकि टू आप नहीं ले सकते यूनियन तो अगला क्या बनेगा टू से लेके इज द मोस्ट परफेक्ट आंसर इट इज ऑप्शन तो आप सभी का ए आंसर आ रहा था वेरी गुड ये नहीं पूछा था एक बार है ना तो डोमेन के सवाल बड़े सिंपल होते हैं पर हमें आने चाहिए डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट जितने भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सही नहीं है और जितने बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं डेट इज एब्सिल्यूटली करेक्ट हो जाए एक और क्या बोलते हो लाइव वाले बच्चे एक और हो जाए हाँ हाँ क्यों नहीं होगा करके देखना करेंगे बात ठीक है क्या कहना चाह रहे क्या वैल्यू ली तूने तूने से से के के बीच बीच में में क्या लिया तूनेट आता है क्या एक लाख ना अभी एरोप्लेन बन जाएगा गाना बजने लग जाएगा हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर <laughs> कैसी बातें कर रहे हैं वन से टू के बीच में वन वन कैसे आ सकता है वही मैं सोचू मैंने कैसे कैसे हो रहा है एक बार है ना चलो हो जाए एक और सवाल है ना एक और सवाल देते हैं आपको है ना हो जाए ठीक है चलो अगला सवाल अगला सवाल देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप सॉल्व कर दोगे अच्छा मुझे बताओ कब होता होता है है कौन कौन से में positive होता है? अगर मैंने आपसे बोला कि मेरा कॉसेक्स पॉजिटिव है positive है तो कौन कौन से में पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में फर्स्ट और फोर्थ में तो क्या मैं बोल सकता हूं एक्स का वैल्यू जो आएगा माइनस फाइव बाई टू से लेके प्लस फाइव बाई टू में जाएगा इंटरवल देखो आप यहां पे ये माइनस फाइव बाई टू होता है अगर रिवर्स में जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो मतलब इस तरफ से जाओगे तो और अगर यहां पे देखो तो पाई बाई टू तो माइनस फाइव से के बीच में कॉसेक्स कैसा होता है पॉजिटिव तो कॉसेक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स कहां से कहा तक जा रहा है माइनस फाइव आई टू से पाई बाई टू तो मेरा सवाल क्या है आपसे वो सुनिएगा ध्यान से है ना सवाल है देखते कितने बच्चे सही जवाब देते हैं द लार्जेस्ट इंटरवेल है ना ध्यान से देखना

कॉस इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो कहां से कहां तक जाता है माइनस वन से वन था के बीच में कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो या साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो वो कहां से कहां जाता है माइनस वन से वन और प्लस तीसरा दे रखा है लॉग के अंदर कॉस एक्स इज डिफाइंड इज डिफाइंड इज डिफाइंड इज कोई बताएगा क्या होगा पहला ऑप्शन है माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाई टू पे ओपन दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्लोज ब्रैकेट जीरो से लेके पाई बाई टू पे ओपन तीसरा इंटरवल है आपका क्लोज ब्रैकेट जीरो से लेके पाई और फोर्थ ऑप्शन है आपका माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू देखते कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं तीनों को डिफाइन करना है आपको आपको तीनों को डिफाइन करना है तीनों को डिफाइन करना है जल्दी से बताइए ओके शिवांग बिल्कुल जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या आंसर आएगा इसका जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका द लार्जेस्ट इंटरवेल लाइन माइनस पाइबा टू के पाइबा टू के बीच में कौन सा इंटरवेल होगा जिसके लिए डिफाइन होगा जल्दी से बताओ कौन सा इंटरवेल होगा जिसके लिए डिफाइन होगा कौन सा इंटरवेल होगा जिसके लिए डिफाइन होगा हुँ? कितना बी ऑप्शन जीरो से लेके पाई बाई टू ओपन अच्छा एक बात बताओ इसको कोई दर्द है क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स की जगह कुछ भी पुट कर लो फोर की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी गड़बड़ देगा ही नहीं आपको यहां पे एक्स की जगह कुछ भी पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है इसको और इसको अब कॉस इन्वर्स को प्रॉब्लम कहां पे होती है जब कॉस इन्वर्स के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी कहां से कहां तक जानी माइनस वन से वन तो क्या ये बात एग्री करते हो वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा जीरो से लेके फोर तक ये सेकंड केस को हमने सॉल्व किया पहले केस से कोई दिक्कत नहीं है एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो कोई दिक्कत नहीं है यहां गए ये तो अपने

एक वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है फोर पे खत्म हो रही है ओपन ब्रैकेट और कहां तक जा रही है इंटरसेक्शन आएगा वॉट विल बी द इंटरसेक्शन इट इज क्लोज ब्रैकेट जीरो से लेके ओपन ब्रैकेट पाई बाय टू क्या बोला मैंने क्लोज ब्रैकेट जीरो से लेके ओपन ब्रैकेट पाई बाई टू इज द करेक्ट आंसर हमेशा एक बात ध्यान रखू साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखाओ और कॉस इन्वर्स के अंदर कुछ भी लिखाओ वो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी हमेशा माइनस वन से वन हमेशा बात ध्यान रखो ठीक है नोट इट डाउन है ना नोट इट डाउन फास्ट है अगला सवाल रूट ऑफ एक्स माइनस फोर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस टू जल्दी से बता दो वही x की वैल्यू निकालनी डोमेन बताओ क्या आंसर आएगा रूट ऑफ एक्स माइनस फोर सर मेरा B ही आया वेरी गुड अभिनव एक्सीलेंट और से सदरी का भी B आ रहा है वेरी गुड हाँ जी बताइए फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा अगले वाले सवाल का क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए वॉट विल बी द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस फोर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स माइनस टू देखते हाउ कैन गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस फोर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स माइनस टू जल्दी बताइए जल्दी बताइए एक्स का क्या वैल्यू आएगा

विशाल सुथारे नो वैल्यूज ओके नो वैल्यू एक्स विशाल okay, विशाल एनी बडी एल्स और कोई बच्चा बताएगा कि x की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही क्या बात कर रहे हो आपने दोनों को अलग अलग सॉल्व किया ना पक्की बात है अलग अलग सॉल्व किया यानी आप कहना चाह रहे हो कि सर x माइनस फोर तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंटरसेक्शन किसके साथ साइन x माइनस टू के साथ साइन एक्स माइनस टू भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू यहां से आपको मिलेगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ sin x कितना Two. तो आंसर तो मिलेगा ना आपको आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा आंसर मिलेगा मिलेगा कि नहीं जल्दी से बताओ आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि यहां से जो आंसर मिलेगा वो होगा एक्स बिलोंग्स टू फाइव क्या साइन एक्स टू से तू बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है क्या पॉसिबल ही नहीं है सिखाया है नहीं है इसको कि तू वन से बड़ा जाएगा ये तो वन से छोटा ही रहता है और ये कह रहा है कि चार या चार से बड़ा आएगा एक्स तो जब एक का आंसर फाइव मिल रहा है तो उसमें दूसरा क्या करेगा एनी ऑपरेशन अरे नहीं के बात को। चलो मुझे इसका जवाब देना अगर मैंने आपके सामने लिख दिया जीरो इंटू एनी कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा जीरो इंटू एनीथिंग वॉट इज दिस जीरो इंटू एनी इज वॉट अरे जल्दी बताओ ना जीरो इंटू एनीथिंग ट इज जीरो जल्दी से होता हूँ वॉट इज जीरो इंटू एनी एवरीबडी टेल मी वॉटर जीरो वेरी गुड ये तो सब लोग जानते हैं जीरो तो ऐसा चीज है जिस किसी के सामने भी लगा दो तो हीरो को भी जीरो बना देता है सही बात है ना क्या आंसर आएगा इसका जीरो इंटू एनीथिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसको जीरो इंटू एनी थिंग डिफाइंड जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइंड ये जीरो आएगा जीरो इंटू एनीथिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो आप कह रहे हो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो है ना जीरो नहीं आएगा इट इज नॉट जीरो तुम क्या सोच रहे हो इतने सिंपल सवाल पूछूंगा तुमसे है बेटा जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो बताओ कितना आएगा तुम चिल्ला रहे हो जीरोस हमारा सेलेक्शन हो गया मजा आ गया नहीं ना जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइंड आप जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते हो डिटी शुड भी डिफाइंड इफ दट क्वानिटी इज नॉट डिफाइंड मीन द क्वेश्चन इज इनकर अरे समझो ना बात को समझ रहे हो जैसे मान लो साइनेक्स को आपने टू ले लिया तो साइनेक्स को अगर टू ले लिया तो टू माइनस ये बच्चा सवाल उठाएगा मुझसे बच्चे ने मुझसे सवाल उठाया क्या सवाल उठाया देखना तुमने दिमाग नहीं लगाया पर एक बच्चे ने दिमाग लगा लिया पे तुम नहीं लगा पाए वो दिमाग सोच रहे हो क्या दिमाग लगाया बच्चे ने बच्चे ने मुझसे पूछा यहाँ पे जब मैंने सवाल करवाया एक बार क्लास में तो एक बच्चे के मन का सवाल उठा तो मन का सवाल ये था बच्चे का सर आपने बोला कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर एक्स बराबर फोर पुट करो जरा सवाल में एक्स बराबर पुट करो सर ये आपका एफ एक्स है ना सर ये आपका एफ एक्स है ना ये लो सर एक्स बराबर पुट करो एक्स बराबर पुट करो सर बताओ मुझे इसका सवाल का आंसर क्या आएगा सर एक्स बराबर फोर पुट करते फोर माइनस फोर कितना हो गया जीरो हो गया और जीरो को इससे मल्टीप्लाई तो, तो आएगा मैंने उसका इधर आओ बेटा यहाँ क्या लिखा है सर ने जीरो इंटू एनी is not equal to 0 बहुत अच्छा सवाल था उस बच्चे का बहुत अच्छा सवाल था और यहां के लिखा हुआ है 0 एनीथिंग डिफाइंड दैट इज 0 अगर आपने इसको x की जगह 4 पुट कर दिया तो ये तो 0 बन जाएगा पर sin x 2 अगर अंडर रूट पे लिखा हुआ है वो डिफाइन ही नहीं है क्यों डिफाइन नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी है अरे sin x 2 इज ऑलवेज नेगेटिव अरे sin x 1 से बड़ा जा नहीं सकता तो मन से बड़ा जा सकता तो इसको पॉजिटिव कैसे बना देगा वो गेटिंग समझ में आया क्या तात्पर्य था ना क्यों बताई है ना क्यों मैंने आपको, ये मैंने आपको ये शायद आप मैं क्योंकि एक बच्चे ने, आप में से एक बच्चे ने पूछी थी एक बार एक्स का वैल्यू फोर हो जाए नहीं सॉरी एक्स का वैल्यू अगर फोर हो जाए तो जीरो तो बन गया सर सेटिस्फाई कर रहा ना देखो सवाल को क्योंकि ये जीरो बन गया इंटू ये पर मैंने क्या सिखाया जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइन

बताओ यस और नो में जवाब दे दो बस यस और नो में जवाब दे दो मुझे आंसर नहीं चाहिए मैंने एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा जल्दी से बता दो तुम तो इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा बस ये बता दो तुम मुझे और कुछ नहीं चाहिए ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा अगर तुम मुझे इसका सही जवाब दे दोगे है ना जल्दी से बता दो रूट के अंदर एक्स माइनस फोर साइन एक्स माइनस टू इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा बस मेरा छोटा सा सवाल है आपसे इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा पहला वाला तो खत्म हो गया इस वाले सवाल के बारे में पूछ रहा हूँ क्या इसका नहीं आएगा yes no जवाब yes no yes no नहीं आएगा से जवाब दो जवाब दो इतना टाइम थोड़ी ना लगता है जवाब देने में व्हाट विल आएगा आंसर आएगा है आएगा, आएगा।, आएगा अच्छा तुम देख रहे हो दोनों में अंतर क्या था कुछ भी नहीं था पर दोनों के एक आंसर आंसर नहीं आ इस आ रहा है जाएगा कैसे आएगा करके देखो आप क्या करो x माइनस फोर एन टू में सकता हूं लेस इक्वल टू जीरो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो गया क्या मैं बोल सकता हूं टू माइनस साइन एक्स हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी अरे बोल टू माइनस साइन एक्स पॉजिटिव नो क्यों क्योंकि से छोटा है तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो आपको पता है है ना स्टंट मार के उधर चली गई और गई और तो तो खत्म हो तो क्या क्या सही तो 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 यही तो मिलेगा आपको यानी एक्स इज लेस ये इसका आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनसे लेकर फोर अरे गेटिंग Yes. है ना तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल आएगा यस वेरी गुड एवरी वन कुछ बच्चे बोल रहे हैं, नहीं आएगा तो बिल्कुल आएगा इसका आंसर यू विल गेट दिस क्वेश्चन समझ में आई मेरी बात है ना गेटिंग माई पॉइंट रब कर दू हाँ ये बहुत आज मैंने जो बातें बताई है ना आपको बहुत गहराई में जाके बताइए हर बात को आपको ध्यान रखना है ईच एंड एवरी पॉइंट यू शुड रिमेंबर है ना ऑब्वियसली बात है देयर शुड बी नो मसला इन योर माइंड सबको चमक गया होगा ठीक है हाँ नहीं कर रहा मैं रब नहीं कर रहा आप नोट कर लो कोई इश्यू नहीं है मेरा अगला सवाल क्या था मुझे एक बात बताओ यार मैंने ऐसे लिख दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है ना फाइंड एक्स मैंने सिंपल सा एक सवाल पूछा फाइंड एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो बताओ इसका आंसर कितना आएगा फाइंड एक्स एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से बताओ मॉड के अंदर एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स प्लस टू जीरो से कितना आएगा है? है बालक पहला सवाल दूसरा सवाल वाई कॉमा जेड इफ एक्स स्क्वायर प्लस का मॉड ऑफ वाई प्लस अंडर रूट जेड इज इक्वल टू जीरो बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ हम्म अच्छा अच्छा कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि रूट सॉरी रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं या मैं ऐसे बोलू रूट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव 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 के बराबर नहीं आता मैंने बताया था रूट रूट इज इज अ अ नॉन नॉन क्वांटिटी क्वांटिटी अच्छा अब एक चीज ध्यान से देख रहे हो पहले वाले सवाल में बहुत खूबसूरत सवाल है सिंपल सा कुछ भी नहीं है मैं बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल ये हमेशा पॉजिटिव होगा यस yes और नो no? मुझे तो इतना सा जवाब दे दो ये हमेशा पॉजिटिव होगा यस yes और नो no? ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या नहीं क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या नहीं सर ये तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम जीरो कर रखा है आपने ओहो मसला समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है मसला क्या है क्या मसला है बताओ दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम आपने जीरो कर रखा है कैसे पॉसिबल है <laughs> अरे यार सोचो ना इमेजिन करो ये भी हमेशा पॉजिटिव ये भी हमेशा पॉजिटिव दो जुड़ के, जीरो कैसे गई पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ के ये तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में क्या होंगी जीरो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना अगर आप दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर को एड करते हो और उनका सम जीरो आ जाता है उन सारे नंबर को कंपल्सरी जीरो ही होना पड़ेगा अरे यार क्या बोला मैंने अगर आप दो या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हो और उन सबका सम जीरो आ जाता है इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि सारे नंबर्स क्या होंगे वो जीरो के बराबर अब जैसे यहां पे तुमने बोला कि सर ये देखो क्या देखो सर कमाल एक्स का वैल्यू बन आएगा आएगा कि नहीं आएगा एंड दोनों एक साथ जीरो होने चाहिए एंड आएगा और नहीं और का मतलब क्या होता है या कौन सा वाला हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला इंग्लिश वाला या आई एम गोइंग देयर अबे हिंदी वाला और अथवा या अरे समझो बात को तो एंड का मतलब दोनों एक साथ जीरो होने चाहिए इसका मतलब क्या होगा ये भी जीरो होगा और ये कब जीरो होगा जब एक्स क्या आएगा माइनस वन ओहो सर एक्स बराबर वन एंड एक्स बराबर माइनस वन लेटर सपोज आपने बराबर वन ले लिया तो ये तो जीरो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा रूट टू और रूट टू बराबर जीरो लिया माइनस वन माइनस वन कितना हो प्लस टू और सवाल का आंसर कितना एक बेसिक से सवाल मैंने आपको लुटा दिया बताओ इस वाले का आंसर क्या आएगा अगले वाले का अगले वाले का आंसर बताओ कितना अगले वाले का आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से बताओ अगले वाले का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ अगले वाले का आंसर क्या आएगा? कितना आएगा जल्दी से बताओ बच्चा लोग X और Y और Z का वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताओ X, Y, Z का वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताओ X, Y और Z का वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताओ जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स जल्दी से बताओ एक्स का वैल्यू कितना आएगा अरे बहुत ईजी है कितना आ रहा है बताओ x बराबर y बराबर z बराबर जीरो क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम जीरो कब आता है जब तीनों इंडिविजुअली क्या होंगी जीरो यानी इसका आंसर आएगा x बराबर y बराबर z बराबर जीरो तो दैट इज ऑल फॉर टुडे आज हम इतना ही पढ़ेंगे है ना और लाइव वाले बच्चे थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर रिस्पॉन्डिंग है ना थैंक यू और मिलते फिर अगली क्लास में ठीक है बच्चों ओके बाय हैव अ गुड डे थैंक यू थैंक यू बैठ जाओ